हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉप 500 एमसीक्यूज इसमें लाया जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये स्पेशल बीपीएससी और बिहार दारोगा के एग्जामिनेशन के लिए है और इसमें मैं प्रत्येक प्रश्न में एक्सप्लेन भी करते चलूँगा ताकि उससे संबंधित जो भी तथ्य और भी हैं बनते हैं प्रश्न, तो वो क्लियर होते जाए। तो ये भाग एक है हमारा और इस सीरीज में मैं पीसीएम मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मैं कवर करते चलूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा जितना आपके पास व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर जो है वो किसकी इकाई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में मापा जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻¹⁸ इतना इलेक्ट्रॉन जो है, इतना इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट हो रहा है और दूसरे सिरे से निकल रहा है। तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। नॉट जहाज के चाल की माप, जहाज के चाल की माप नॉट में मापा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रकाश वर्ष, वर्ष ऐसे लिखाता है ऐसे, प्रकाश वर्ष समय मापन की दूरी, समय मापन की दूरी प्रकाश वर्ष होती है, ये गलत है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो समय नहीं बल्कि दूरी का माप है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में, एक वर्ष में जो है वो तय की जाती है, तो ये गलत है। ओके, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन सी, 746। ओके, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी करता है उसके द्वारा कार्य करने की जो रेट होती है, जो दर होती है, उसको उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, उसको उसकी शक्ति मतलब कि पावर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड, तो ये आपको याद रखनी है। और इसको जो है वाट भी कहा जाता है और एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकेंड। ओके, एक जूल प्रति सेकेंड और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें भी एक करके हम लोग पढ़ते हैं। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल में मापी जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई मतलब पावर का जो यूनिट होता है वो होता है अश्वशक्ति। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक है। हॉर्स पावर ये बिल्कुल ठीक है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ऊष्मा की इकाई सेल्सियस में, ये गलत है। ऊष्मा की इकाई जो है, ये जो सेल्सियस है इसको, ये ताप की इकाई होती है, ऊष्मा की नहीं। ओके, आप याद रखेंगे। ऊष्मा का कैलोरी जो, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। ओके, या ऊर्जा का भी ठीक है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। कैलोरी, अर्ग और जूल ये ऊष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये तापमान की, टेम्परेचर की इकाई है। ओके,
तो देखिए आप लोग 50 में कितना सही करते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें टोटल 50 प्रश्न जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद है पारिस्थितिक दबाव, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है तो बार इसका सही आंसर होगा। देखिए वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक जो है ये बार होता है और ये जो है वो 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसके समतुल्य होता है। तो ये सब आपको याद रखनी है और इसे जो है वो पास्कल में जो है वो व्यक्त किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई यूनिट जो है वो पास्कल होता है और एक बार बराबर होता है 10^5 पास्कल। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्मी मीटर। यहाँ पे फर्मी ऐसे लिखाता है फर्मी मीटर, ओके फर्मी मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। इनमें से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई जो है वो मापने की इकाई है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉप्सन, ओके डॉप्सन। देखिए एक डॉप्सन इकाई जो है एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर, ओके माइक्रो ऐसे लिखाता है माइक्रोमीटर, ओजोन परत को व्यक्त करती है और एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10^20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोनार का, ओके समुद्र के अंदर भीतरी छिपी हुई चाहे कोई भी वस्तु हो, पनडुब्बी हो या कुछ भी हो, इसको पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। सोनार SONAR, इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। अब इसमें पराशब्द तरंग होता है और इसको समुद्र के भीतर भेजा जाता है। ये जब वापस लौट कर आता है तो तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता हम लोगों को चलता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि यहाँ पे एक है एनीमोमीटर, ओके एनीमोमीटर जो है इसके द्वारा वायु के वेग इसकी माप की जाती है। यहाँ पे एक है क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब इन सब में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। एक है यहाँ पे ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी लिसनिंग, कोई भी अगर ऑडियो है अगर सही नहीं है तो इसको सही करने में ये जो है उस काम आता है, ठीक है। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उच्च ताप के। पाइरोमीटर या पूर्ण विकिरण उताप मापी इसको बोलते हैं, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, ठीक है। इसके हेल्प से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, जैसे हम लोग का जो कोई हीट है तो ये सब नहीं, जैसे सूर्य का तापमान हो गया या और भी जो बहुत उच्च टाइप के जो होते हैं उसको मापने के लिए ये सब काम में आता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री, सूर्य का भी नहीं, सूर्य तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया, 800 डिग्री से नीचे का ताप जो है वो नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं जो है ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक एक करके पढ़ते हैं। ओडोमीटर है, ठीक है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ओडोमीटर, ओंडोमीटर है यहाँ पे,
विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, यह भी बिल्कुल ठीक है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये गलत है। अमीटर विद्युत धारा नापा जाता है अमीटर से, ओके, विद्युत धारा न कि विद्युत की शक्ति को मापा जाता है। इसके बाद है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, इसका सेंसर है ऑप्शन सी लक्स मीटर, ओके लक्स मीटर। देखिए लक्स मीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापने का एक उपकरण है, जबकि यहाँ पे एक है कोलोरीमीटर, ठीक है। कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण होता है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। जैसे हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये वस्तु जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लाइट को अवशोषित करता है, कलर को अवशोषित करता है, तो इसका पता हम लोगों को कोलोरोमीटर से लगता है, ओके। रडार उपयोग में आता है, रडार किसके लिए यूज होता है ये पूछा जा रहा है, इसका सेंसर है ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार, रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ओके। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो इसका सेंसर ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ठीक है। और यह एक ऐसा स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बंटा पैमाना होता है, और रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना, ओके 10 गुने परिमाण को बताती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी एक एक करके पढ़ते हैं। मैनोमीटर दाब, ये बिल्कुल ठीक है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। कार्डियोग्राम हृदय गति, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है। देखिए इसमें जो है सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, न कि पृष्ठतल की वक्रता को मापा जाता है। और कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। और कार्डियोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग जो है वो हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है, ओके। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ओके पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है ये। ये एक है पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, ओके हाई टेम्परेचर। इसके बाद है गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति जो है मोशन, घूमती हुई वस्तुओं की मोशन गति को मापने का यंत्र है ये। इसके बाद है काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र जो है, जैसे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हृदय की धड़कन, इन सब को काइमोग्राफ के द्वारा, ओके। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ओके अपकेंद्रण। देखिए यह जो है वह प्रतिक्रिया बल है जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, लेकिन जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, मतलब कि उल्टा होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये जो है आपको याद रखनी है, ओके। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो देखिए इसका सेंसर है केवल गतिज होती है, बहती हुई हवा जो होती है उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है, और हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा, इन सब में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है,
इसका सही आंसर ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। ओके गतिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व। ओके स्थिरता का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर जैसे हम लोग चलते हैं आसानी से, लेकिन बर्फ पर नहीं चल पाते हैं, क्यों, क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ओके बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन, इस कारण से हम लोग बर्फ पे नहीं चल पाते हैं इजिली। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं स्पेस में वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान ये चक्कर लगा रहा है, मान लिया कि ये अंतरिक्ष यान है, ये चारों ओर मूव कर रहा है, अब यहाँ से एक सेब छोड़ा जाएगा, तो ये जो एप्पल है ये एप्पल का क्या हाल होगा ये पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा? तो देखिए इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ओके अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव जो है वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही वैसे ही गतिवान रहेगा। किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, चाहे कोई भी बड़ी हो तो उसका पोल पे जो होता है, ध्रुव पे जो होता है भार सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखनी है। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार कहाँ पे अधिक होता है या एक समान होता है ये पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी जस्ट हमने देखा कि चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई भी कुछ भी सामान हो, वो ध्रुवों पर उसका भार अधिकतम होता है। इसके बाद है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, और यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है, और डॉपलर की मदद से ही सुस्पष्टता से जो है ये ट्रैकिंग जो है वो संभव हो सकती है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ओके देखिए माना जो है, थोड़ा सा मैं इक्वेशन बता दूं, या चलिए आगे मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा, इतना सा ज़्यादा आपको नहीं जानना है, साइंस में भी जीके टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होता है? अब इसमें हम लोगों को चुनना है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ओके लोलक की कालावधि जो है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, और हम लोग जानते हैं कि टी बराबर होता है 2π रूट अंडर व एल अपॉन जी। ओके जिसमें लोलक की लंबाई एल होता है, और जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होती है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर की वेग से हम लोग फेंकेंगे तो वापस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेग से अगर हम लोग फेंकते हैं तो ये पृथ्वी के कक्षा को पार करेगा, अदरवाइज ये वापस आ जाएगा। वर्षा की बूंद
कि गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, क्यों होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठ का तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। और ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, मिट्टी का तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सेंसर ऑप्शन बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका जो डेंसिटी होता है घनत्व वो पानी के घनत्व से कम होता है। ओके, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, देखिए इसका सेंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए साबुन के घोल के बुलबुले जो है वो बड़े होते हैं, और बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ओके, और बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। ओके, या केशिकत्व। इसके बाद है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी के कारण। ओके, वायु दाब में कमी के कारण, अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो अगर पेन लेकर आप जाते हैं तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है, इस कारण से पेन का जो स्याही होता है वो बाहर निकलने लगता है। अगर आप ऊपर और ऊपर चले जाते हैं तो, और अगर आपने वैसे कपड़े नहीं पहने हैं तो आपके शरीर से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, या पहाड़ों की ऊंचाई पे आप जब चढ़ते हैं तो कभी कभी नाक से या मुंह से ब्लड भी आने लगता है। ओके, तो ये सब होता है वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, इसका सेंसर ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। ओके, पास्कल का नियम, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल के नियम पर यह काम करता है। और पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य जीरो माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। ओके, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि, यहाँ पर मान लिया कि ऐसे ऐसे पानी है और ऊपर से बर्फ है, ठीक है, ऊपर से बर्फ है तो नीचे पानी जो है वो वैसे ही रहता है और इसलिए इस कारण से मछलियां जो है जीवित रहती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं चल पाता। ओके, झील की तली पर जल जो है वो नहीं चल पाता है, तो इसका ये सही आंसर होगा। इसके बाद है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुई का उपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के उपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जैसे ही बाल्टी जो होती है, जो भी बाल्टी है, ओके, ये बाल्टी है मान लिया कि, अब ये जो बाल्टी है ये पानी में डूबा हुआ है, अब ये पानी से जैसे ही बाहर आएगा तो हम लोगों को भार जो है वो बढ़ा हुआ नजर महसूस होगा। ओके, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, इसका सेंसर ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियॉन गैस। ओके, नियॉन,
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। जब प्रकाश जो है वो हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हीरा जो है वो चमकता है, सबसे चमकीला होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का सफल आंतरिक परावर्तन। सॉरी, सफल नहीं होगा, सकल होगा। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद है मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका भी आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका भी सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, मैं एक ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 3-4 प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रश्न में। दृष्टिपटल, जिसको रेटिना बोला जाता है, इस पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ओके, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसी कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। दूरी और गहराई का एहसास इसी कारण से होता है। देखिए, दो आंखों के होने से प्रतिबिंब जो होता है इसकी प्राप्ति में सममित सटीक होती है और गहराई और दूरी जो है वो हम लोगों को बिल्कुल सटीक नजर आता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण। ओके, धूल कण के कारण। देखिए, सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों का मिश्रण है, 7 कलर होता है इसमें। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो मार्ग में जो भी हवा, जो कण होते हैं, अणु होते हैं, धूल कण होते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं और इन्हीं के द्वारा इसका स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। इसी कारण से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले कलर का स्कैटरिंग जो है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये था 50 प्रश्न साइंस का हमारा। तो कैसा लगा क्वेश्चन हो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।